इस क्वेश्चन में कह रहा है द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च अ सैटेलाइट ऑफ मास m फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ ऑफ मास कैपिटल m एंड रेडियस r इन अ सर्कुलर ऑर्बिट एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 2 hours फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ. मतलब हमें मिनिमम एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड होगी एक सैटेलाइट स्मॉल m मास के लॉन्च करने के लिए, कहां से? अर्थ की सर्फेस से. अर्थ की मास कितनी है? कैपिटल m, रेडियस है r. और किस हाइट तक हमें उसे लॉन्च करना है, किस ऑर्बिट में? 2 hours रेडियस हाइट तक. मतलब 2 hours हाइट तक जो ऑर्बिट बनेगी उसमें हमें लॉन्च करना है, ठीक ना? तो देखो जैसे अर्थ हो गई, इसकी रेडियस कितनी है? r, ठीक. यहां पे वो सैटेलाइट है मास m की और अर्थ की मास है कैपिटल है. इसे अर्थ की सरफेस से 2 hours डिस्टेंस वाले पे, मतलब जो 2 hours डिस्टेंस पे जो ऑर्बिट होगी उसमें लॉन्च करना है, तो उस ऑर्बिट की टोटल रेडियस कितनी हो गई? 3 hours, ठीक ना? अब इस ऑर्बिट में सैटेलाइट को हमें घुमाना है, तो सिंपल है, एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, ठीक ना? एनर्जी रिक्वायर्ड ही पूछ रहे हैं ना, तो एनर्जी रिक्वायर्ड कितनी होगी? तो डेल्टा ई इक्वल टू आप यहां पे लगा दो एनर्जी रिक्वायर्ड में के फाइनल प्लस यू फाइनल माइनस के इनिशियल प्लस यू इनिशियल, ठीक ना? ये सबसे आसान तरीका होता है एनर्जी रिक्वायर्ड निकालने का, ठीक ना? टोटल एनर्जी सरफेस पे कितनी है, ठीक ना? ये टोटल एनर्जी है, ये सरफेस टोटल एनर्जी फाइनल माइनस टोटल एनर्जी इनिशियल, इसे कर दो बस, ठीक ना? ये क्लियर? अब देखो फाइनली काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इस वाली ऑर्बिट में, वो हो जाएगी जी एम एम बाय, अब इसकी रेडियस कितनी है ऑर्बिट की? 3 hours है, टोटल सेंटर से लेना होता है हमें, तो ये हो जाएगी 3 hours, 2 × 3 hours, ठीक ना? फॉर्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का? जी एम एम बाय 2 hours. तो r वहां पे मतलब ये स्मॉल r वेरिएबल वाला ले लेते हैं, ये r होता है, ठीक ना? तो ये r कितना है यहाँ पे? 3 hours है, तो यहाँ पे 3 hours आ जाएगा स्मॉल r. अब u फाइनल, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस जी एम एम बाय r, माइनस जी पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम बाय r, ठीक ना? अरे यार ये वेरिएबल वाला r जो कि यहाँ पे 3 hours है, तो माइनस जी एम एम बाय r, ठीक. अब सरफेस की बात करते हैं, सरफेस पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो कि 0 है, पोटेंशियल एनर्जी सरफेस पे क्या हो जाएगी? माइनस जी एम एम बाय r, क्योंकि अभी तो ये r ही डिस्टेंस पे है ना, सरफेस पे ही है, ठीक ना? अब इन सब को सॉल्व कर दो, बता के एनर्जी रिक्वायर्ड ये 6 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो जी एम एम बाय 6 r माइनस जी एम एम बाय r, r मतलब 3 hours, माइनस माइनस प्लस जी एम एम बाय r, ये हो गया. अब इसका एलसीएम कितना आएगा? 6 r एलसीएम है, तो इसमें भी 6 की मल्टीप्लाई कर दो और इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दो, ये मतलब ऐसा हो जाएगा जी एम एम बाय 6 r. ये सब कुछ तो कॉमन ही है, यहाँ पे 1 है, माइनस 2 प्लस 6, तो 7 माइनस 2 5, तो क्या आ गया? 5 जी एम एम बाय 6 r, तो ये एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी. क्लियर? 5 जी एम एम बाय 6 r, ऑप्शन 4. क्लियर?